ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश के शहडोल से है। बता दें कि शहडोल माँ एक के बाद एक ऐसी सीएल के बंद पड़ी खदान माँ लोगन के जान जाए के बाद अब प्रशासन जागरूक पाया और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। वह बता दें कि पूरे घटनाक्रम के बाद शहडोल जिला में धारा 144 लागू की गई है। वह आसपास खदान के इलाकन में जाब लोगन का प्रतिबंधित कई दिन का है। तो मध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल वहां पहुंचा अपना पंचे सभी जन का प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि शहडोल में 7 लोगन के जहरीली गैस के रिसाव के कारण जान चली गई। अब मामले में पुलिस प्रशासन कार्रवाई में आवा है। बता दें कि कबाड़िन के अवैध ठिकाने में जहां बुलडोजर चलावा गया, एक साथ है कलेक्टर के द्वारा एसईसीएल के बंद पड़ी खदानन में धारा 144 लागू की गई है और एक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कई दिन का है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि कुछ दिन पहले धनपुरी क्षेत्र में बंद पड़ी कोयला खदान में कबाड़ चोरी हुई के दौरान जहरीली गैस के चपेट में आए के कारण 7 लोगों की जान चली गई रही, जिसके बाद से पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। इस मामले में हालांकि बता दें कि 2 पुलिसकर्मी के ऊपर कार्रवाई के गाज गलाई गिरी रही, उनका निलंबित कई दिन रहा, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा ताबड़तोड़ कबाड़ व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। यही कड़ी में बता दें कि अमरकंटक रोड में स्थित कबाड़ी पप्पू टोपी के अवैध ठीहा में बुलडोजर चलावा गया है। आजाद दफाई में कबाड़ी गुड्डू खान के ठीहा में गलाई कार्रवाई की गई, दौरान प्रशासन और पुलिस के जवान मौके में मौजूद रहे। शहडोल कलेक्टर वंदना बैद के द्वारा एसईसीएल के बंद पड़ी खदानन में घटनन का मद्देनजर धारा 144 लागू कई दिन का है। एसपी के प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर के द्वारा यह आदेश जारी की गया है। एक साथ है बंद खदानन के आसपास नागरिकन के आवे जाए में रोक लगाई गई है। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करके अलर्ट जारी की गया है। बता दें कि एसपी प्रतीक कुमार के निर्देशक माँ एसईसीएल के प्रबंधन सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला घलाए दर्ज की गया है। फरार कबाड़ी पप्पू टोपी के ऊपर बता दें कि 10,000 रुपया के इनाम पुलिस के द्वारा घोषित की गया है। वहीं कबाड़ी गुड्डू खान का पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बता दें कि यह बड़ा घटनाक्रम होने के बाद शहडोल प्रशासन जागा है और एक के बाद एक कार्रवाई कर रही। बड़ी बात यह है कि अगर प्रशासन के द्वारा और कंपनी प्रबंधन के द्वारा समय रहते ये चीज़न में ध्यान दी जा तो पहले जो है नियम के अनुसार बता दें कि अब बंद करके कार्रवाई की जात तो शायद ही अमेर की घटनाक्रम ना हो तो 7 लोग सुरक्षित होते। हालांकि प्रशासन लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। देखने वाली बात यह हुई कि अभी मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी कब तक होती है। तो सजग रही, सतर्क रही, रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश, एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।